सो वी टॉक अबाउट एंजाइना फर्स्ट. एंजाइना आपका हो चुका है सबका, थ्योरी में हो चुका है आपका एंजाइना. सो व्हाट इज एंजाइना, कौन बताएगा? व्हाट इज एंजाइना एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमआई, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन. How is angina different from MI? Yes, you. Blue shirt. अच्छा, और MI बढ़ जाती है, क्या होता है? इंफेक्शन की वजह से. नेक्स्ट, बताओ. एमआई होता क्या है? ब्लड सप्लाई का एंजाइना में भी कम हो गई. हाउ इट इज एम आई, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम एंजाइना? नेक्रोसिस ऑफ द हार्ट टिश्यू, दैट इज इरिवर्सिबल डैमेज. एंजाइना देर इज नो डैमेज, एंजाइना इज रिवर्सिबल. एंड व्हेन देर इज इरिवर्सिबल डैमेज नोन एज इंफार्क्शन. इंफार्क्शन इज परमानेंट डैमेज. फोर्थ लास्ट रो, ग्रीन शर्ट, ग्रीन टी शर्ट. यस यू, क्या हुआ, क्या बता रही थी? यहां बता देना, मैं पूछ रहा हूं सबसे. बताओ क्या बता रही थी? नया था. प्लीज कीप क्वाइट, you're wasting your time. बैठो. So in angina, there is decreased supply to the heart. It could be due to an atheroma, a plaque, which is obstructing the supply to the heart. So when there is an increased demand, it could be due to some exercise, due to some physical activity. So heart is not able to pump enough blood because there is a clot there. So normally the blood supply is there, but when there is increased demand, then the demand cannot be met. That is angina. And if there is complete blockage and the blood doesn't reach the target organ, then there is infarction. Means complete muscle damage. It is infarction. So angina is reversible and infarction is irreversible. So what we give in the angina? Kya dete hain hum? Kya dete hain? Nitrate. Yes. Kya karta hai nitrate? Vasodilation. Aur kuch? और क्या करता है बताओ? और भी कुछ करता होगा ना? एंजाइना हो गया ना आपका, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना हो गया ना पूरा, थ्योरी में हो चुका है. क्या करता है? इट रिड्यूस प्रीलोड ऑल्सो, वीनोडायलेशन भी करता है. वेनोडायलेशन की वजह से ब्लड कम आता है हार्ट में एंड वेनोडायलेशन की वजह से आफ्टरलोड कम होता है. सो वी गिव एसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट 5 मिलीग्राम सब लिंगुअल, ठीक है, जीभ के नीचे रखनी होती है
और ये अब्सॉर्ब हो जाती है एंड द पेशेंट कैन स्पिट इट. सो इट कॉजेज वेसोडायलेशन, वीनोडायलेशन, और अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसाइड हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज द ब्लड सप्लाई जो कार्डिक डिमांड बढ़ी हुई है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, बिकॉज ब्लड सप्लाई कम आएगी हार्ट की तरफ एंड हार्ट कैन इजिली पंप इट एंड देयर इज वेसोडायलेशन, सो द हार्ट कैन इजिली पंप इट. दिस इज द प्रेस्क्रिप्शन. I'll send you the file in your group. Don't worry about it. ठीक है, so this is about angina. Then we have no. I said no. Then we have diabetes. Diabetes mellitus. What we do in diabetes mellitus? We always start with metformin. Metformin 500 milligram. The maximum dose is 2 gram for the metformin. So we can start with the 500 milligram. Then we increase the dose till the maximum effect. बियर कंट्रोल नहीं होता है शुगर, देन वी कैन ऐड द ग्लिमिपराइड, द सल्फोनिल यूरिया, वी कैन स्टार्ट विद द 1 ग्राम एंड वी कैन कीप इंक्रीजिंग इट. ठीक है, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो वी कैन गिव द कॉम्बिनेशन, वी कैन ऐड द मेटफॉर्मिन अलॉन्ग विद द ग्लिमिपराइड, और वी कैन ऐड द मेटफॉर्मिन अलॉन्ग विद ग्लिप्टन्स. ठीक है, सीटाग्लिप्टन, विल्टाग्लिप्टन, वी हैव ऑल द ग्रुप्स, सो वी कैन डू हिट एंड ट्रायल. सबसे पहले मेटफॉर्मिन, देन वी कैन ऐड द ग्लिमिपराइड इट विद, देन वी कैन ऐड द अदर ड्रग, और वी कैन ऐड द ग्लिप्टन्स अलॉन्ग विद द मेटफॉर्मिन एंड सो ऑन. देयर इज नो सेट मेथड, बट इफ यू हैव एडेड अ ड्रग इट्स अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, स्टार्टिंग विद द मेटफॉर्मिन. Then we have GTCS. GTCS is kya hota hai? Sahaj. What is GTCS? Kya hota hai isme? Scissor. We have tonic-clonic scissor. This is tonus. Aapki muscle hard ho gayi hai. That is tonus. And clonus is this. Alternative contraction and relaxation. That is clonus. So tonic-clonic scissors means there is alternate contraction and relaxation. That is clonus. Theek hai? So in this what we give? What do we give? मोजा सुना देना, किसी ने पुरानी मूवीज में मोजा सुनाते हैं गंदा दुवाला, इट हैज नो रोल. सो वी कैन गिव कार्बामेज़ेपिन 200 मिलीग्राम टीडीएस एंड वी कैन कंटिन्यू इट फॉर 1 month और सो रिव्यू आफ्टर 1 month. कोई एपिसोड आया है नहीं आया, अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज द डोज. देन स्टेटस एपिलेप्टिकस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीटीसीएस? स्टेटस एपिलेप्टिकस, इट इज अ स्टेटस. स्टेटस रहता परसिस्ट, then it is status. Same with the status asthmaticus. If it persists and uncontrollable, then it is status. So if the seizure persists more than 5 minutes, then it is known as status epilepticus. What do we give? First of all, and most important, is airway, breathing and circulation. We have to check the airway of the patient.
क्योंकि सीजर्स में ही और शी कैन हैव एस्पिरेशन, ठीक है. तो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन सर्कुलेशन, बीपी फाइन है कि नहीं है, अदरवाइज वी हैव टू गिव द फ्लूइड्स. देन कम्स डाइजेपाम, लोराजेपाम, वी गिव इट, क्या नहीं पता है, देन वी गिव इंजेक्शन लोराजेपाम 0.1 mg पर केजी, दैट मीन्स फॉर 60 केजी मेल और फीमेल इट इज 6 mg यू हैव टू गिव. इन्फ्यूजन अगर आप दे रहे हो 2 mg पर मिनट देना है, ठीक है. सो 6 mg कैन बी गिवन इन 3 मिनट्स, इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 10 मिनट्स एंड 2 डोजेस कैन बी गिवन. फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो वी हैव टू गिव नेक्स्ट लाइन इंजेक्शन फेरिटाइन 15-20 mg पर केजी, बस स्लो आईवी इन्फ्यूजन. फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो वी कैन गिव इंजेक्शन फिनोबार्बिटॉन 20 mg पर केजी, डोज इज सेम फॉर बोथ, फेनिटाइन फिनोबार्बिटॉन यू कैन से 20 mg पर केजी फॉर बोथ. फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो वी हैव टू गिव जनरल एनेस्थेटिक इंजेक्शन प्रोपोफोल, ठीक है. मैंने पढ़ा था ना एनेस्थेटिक में प्रोपोफोल, इट इज अ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, इट कैन कॉज कंप्लीट पैरालिसिस, ठीक है. दिस इज अबाउट स्टेटस एपिलेप्टिकस, बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है सीजर रोकना, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंजरी एनवायरमेंट में, कौन से एनवायरमेंट में, पर्सन कैन फॉल, ठीक है, ठीक है. और टंग कैन चोक, ठीक है, बिकॉज टंग में फॉल बैकवर्ड्स, ठीक है. और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली द कॉज ऑफ डेथ वुड बी चोकिंग. पेशेंट कैन हैव साइनोसिस एंड ही और शी मे डाई ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है. तो सीजर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. देन वी हैव डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस दैट इज डिफरेंट, कीटोन्स, इट हैज एसिडोसिस, पीएच इज लेस देन 7.3 द ब्लड पीएच. किसको क्या बताना है, प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट, कौन है, लास्ट 2 रोज क्या हुआ बताओ, ब्लू शर्ट लास्ट रो क्या हुआ, सो इन डायबिटिक एसिडोसिस we have ketones in the blood, the pH is less than 7.3, ठीक है, blood की pH 7.3 से 7.5 तक, pH is less than 7.3, so this is acidosis, sugar is very high, mostly it is seen in type 1 diabetes, क्यों, type 1 diabetes, जो कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो शुगर अंदर नहीं जाएगा सेल्स के, नहीं जाएगा, सो सेल्स हैव टू प्रोड्यूस कीटोन्स एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है. सो व्हाट डू वी गिव इंसुलिन 0.1 यूनिट्स पर केजी स्टैट, that means immediately
0.1 units per kg means 6 units of insulin. Start. Then we can continue the infusion. 0.1 units per kg per hour means 6 units per hour. We can continue. Fluids are very much because the patient is dehydrated. So we give normal saline 0.9% IV, 1 liter in the first hour. And usually the deficiency is around 7 liters of fluid. So we have to keep giving the fluids until 5 to 6 hours. So we are giving insulin, the sugar is falling. Where we have to stop? अगर शुगर 500-600 भी है तो जैसी शुगर 300 से कम होने लगेगा सो वी हैव टू स्टार्ट विद ग्लूकोज इन्फ्यूजन. ग्लूकोज 5% ग्लूकोज एंड 0.5% 0.45% सलाइन. उससे क्या हो रहा है 300 से कम में शुगर फॉल होगा, पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया. सो वी हैव टू स्टार्ट शुगर एंड देन वी आर गिविंग इंसुलिन. इंसुलिन मूव शुगर इनसाइड द सेल्स. सो शुगर ज्यादा फॉल भी नहीं होगा एंड द एसिडोसिस विल बी करेक्टेड. सो 300 से कम में वी हैव टू बी कॉशियस. देन वी कैन गिव पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्यों दोगे? जब इंसुलिन है, इंसुलिन मूव्स द ग्लूकोज इनसाइड द सेल एंड ऑल्सो पोटेशियम इनसाइड द सेल. सो देयर विल बी चांसेस ऑफ हाइपोकैलेमिया. सो वी हैव टू गिव द पोटेशियम अलॉन्ग विद इट. ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं इतना कि याद रहेगा तुम्हें, ऐसे देख के रख सकते हो उसको आराम से. देन वी गिव इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट बिकॉज इट इज एसिडोसिस. So we have to give bicarbonate in the case of acidosis. This is all about the topics today.